जिसको फ्रेगमेंटेशन समझ में आ जाएगा उसको जो है मास स्पेक्ट्रा का रिजल्ट ऑटोमेटिकली जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपका प्राइमरी गोल जो है फ्रेगमेंटेशन को समझना होना चाहिए कि आखिर फ्रेगमेंटेशन का पैटर्न क्या है। अगेन जैसे कि हमने एनएमआर में देखा था कि बेसिक केमिस्ट्री का यूज हुआ था, वैसे ही मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है बेसिक केमिस्ट्री का ही यूज होगा। वहां पे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने यूज किया था, यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करने वाले। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे जरा देखेंगे बेसिक तौर पे। पहले तो केमिस्ट्री में हम एक चीज को जानते हैं कि कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं जिनको कि हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल सकते हैं, जो बेसिक तौर पे इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिव जब होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। हमने आपको क्या मेंशन करा था, हमने कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट से जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ किया जाता है, और जब भी नॉक ऑफ करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन खुद में अपने आप में एक आयन चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है। और इस सभी केसेस में आपको हर केस का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होगा, और मैंने बेसिक मॉलिक्यूलर वेट आपको मेंशन कर रखा है, एक बार फिर से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। कार्बन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट ध्यान रहे, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट जो है 14, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 30, एंड कुछ और भी है एक्स्ट्रा के तौर पे, ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2, ट्राइटियम का एटॉमिक वेट 3, एंड सो ऑन। बट ये अगर चॉइस आपको पता हो तो इतने से लगभग लगभग मॉलिक्यूलर वेट का काम हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में 98% ऑफ द एलिमेंट्स इसी चॉइस से बने होते हैं, जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कम से कम चॉइस का एटॉमिक वेट आपको पता हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब इस मॉलिक्यूलर वेट के तौर पे यहाँ पे देखे जाए तो ये एक एथेनॉल लिखा, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर एथेनॉल का है, CH3CH2OH। एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए दो कार्बन है तो 2 × 12 फॉर द कार्बन, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 6 × 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1 दैट इज 16, जोड़िए तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16, इसको पूरा तीनों का जोड़ देंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगा 46। जितने देर में आप कैलकुलेट करेंगे उतने में तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 46 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ये एथेनॉल को जब हम EI यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। अब इस आयोनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है कि इस पूरे कंपोनेंट से एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर दिया आपने, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, नॉक ऑफ। अभी तक ये स्ट्रक्चर कैसा था, ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल था, देखा जाए तो एथेनॉल को कोई दिक्कत थी नहीं, दिक्कत थी, स्टेबल फॉर्म में एथेनॉल था। लेकिन जैसे ही आपने एक सोर्स दे दिया, ये सोर्स जो है कोई केमिकल हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो सकता है, लेजर हो सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेस। बट मैं यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एथेनॉल एज अ बायो मॉलिक्यूल या एथेनॉल एज अ मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में है जब इस पे कोई चार्ज या कोई फ्री रेडिकल का फॉर्म नहीं है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट जब फ्री रेडिकल के फॉर्म में जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक सुपर एक्टिव या हाइपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, हाईली एक्साइटेड स्टेट में, यानी अनस्टेबल के फॉर्म में जाता है। स्टेबल का मतलब लेस एक्साइटेड के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जरा सा समझिए कि जैसे आप इसको एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर देते हैं, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ पे, सो इस कंपोनेंट पे ये फ्री रेडिकल का फॉर्म जनरेट हो जाएगा। नाउ जैसे ये फ्री रेडिकल का फॉर्म जनरेट हुआ, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल नजर आएगा, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है अब हाईली रिएक्टिव या हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और जब ये हाईली अनस्टेबल होगा तो ये खुद टूटेगा, क्यों टूटेगा, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए। ये स्ट्रक्चर इतना रिएक्टिव होता है कि ये खुद को स्टेबल करने के लिए अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होगी। और हमेशा याद रहेंगे फ्रेगमेंटेशन होने के लिए जो है मेन चेन का यूज किया जाता है। जब भी हाईली अनस्टेबल होता है तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो हाईली अनस्टेबल कंपोनेंट फ्रेगमेंटेशन के लिए क्यों जा रहे हैं, व्हाई व्हाई, सवाल ये आता है क्यों कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन कोई भी कंपोनेंट, क्योंकि वो अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल करना चाहेगा, ठीक है, टू बिकम स्टेबल। और उस स्टेबल करने के लिए जो ब्रेकेज होगा वो मेन चेन के अलोंग होगा या साइड चेन या हाइड्रोजन वाले चेन के अलोंग होगा, याद रहे कि हमेशा मेन चेन। देखिए ये जो है मेन चेन है और इसी के अलोंग जो है अब टूटने की टेंडेंसी बनेगी, हो सकता है कि वो यहाँ पे भी टूट सकता है और यहाँ पे भी टूट सकता है, इन दोनों कंडीशंस में पाए जाने की टेंडेंसी हो सकती है। मैं मेंशन करने की कोशिश करता हूँ और आपके साथ लेके चलेंगे, ठीक है, चलिए।
तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ एथेनॉल शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा। बेसिक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों फ्रेगमेंटेशन की जरूरत है, ठीक है ना, या फ्रेगमेंटेशन क्यों हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन ये हो रहा है कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है। तोड़ने के लिए सबसे पहले किसी मॉलिक्यूल को आपको एक्टिव करना है। अगर देखा जाए बेसिक तौर पे, तो हमारे पास जो है ये है CH3 CH2 OH। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि m बाई जेड रेशियो होगा कहीं ना कहीं 46 होगा। m बाई जेड बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट से हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 46 है। इसको हम इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन से जब इंपैक्ट किए थे तो ये मॉलिक्यूल CH2 सॉरी CH3 होगा, यहाँ पे CH3 CH2 OH। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल और एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट बना जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग अभी भी 46 ही होगा। देखिए दैट इज 46। अब सवाल ये आता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है कि बॉन्ड अलोंग ए टूटे या बॉन्ड अलोंग बी टूटे। मेन चेन के हिसाब से यही दो टूट सकते हैं, या तो ए के अलोंग या तो बी के अलोंग। क्यों क्यों टूटना है? क्योंकि इस फ्री रेडिकल या इस चार्ज को स्टेबलाइज करना है। तो हो सकता है कि मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं कि ये बॉन्ड ए के अलोंग टूटता है, सो बॉन्ड ए के अलोंग टूटेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 प्लस। CH3 CH2 प्लस अगर बना तो कहीं ना कहीं इससे OH माइनस बनेगा, एक प्लस बनेगा तो एक माइनस बनेगा, या हम इसको माइनस के तौर के बजाय फ्री रेडिकल के तौर पे सिर्फ रिप्रेजेंट करें, कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस पर कोई चार्ज नहीं, या तो फ्री रेडिकल या तो माइनस के तौर पे रिप्रेजेंट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? हमेशा जब भी कोई आइटम टूटेगा, कोई बॉन्ड टूटेगा, तो उसका एक हिस्सा अगर पॉजिटिव हो रहा है, जैसे NaCl के तौर पे, अगर Na प्लस हो रहा है तो दूसरा आयन तो क्लोराइड आयन ही निकलेगा ना। कभी भी किसी बॉन्ड को टूटते हुए ए प्लस बी प्लस का फॉर्म नहीं देखा होगा कि दोनों ही प्लस निकले या दोनों ही माइनस निकले, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से जो है नेचर के हिसाब से हम अगर चले तो अगर मेरा ये वाला फॉर्म प्लस होगा तो ये वाला जो है फ्री रेडिकल या नेगेटिव के फॉर्म होगा। पहला चांस तो ये बन सकता है इस केस से, या इसी से दूसरा चांस ये बन सकता है कि जो ओ एच जो है वो पॉजिटिव हो जाए, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो और साथ में जो है CH3 CH2 जो है वो फ्री रेडिकल या नेगेटिव के फॉर्म में हो। सेकेंड मेथड ये हो सकता है, हो सकता है कि ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव हो। देयर आर टू चांसेस ऑफ एवरी फ्रेगमेंटेशन, कि या तो ये वाला पार्ट यहां से जब टूटेगा तो या तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो या तो ये वाला पॉजिटिव हो, सीधी सी बात है। सिमिलर वैसे ही बी के पार्ट से टूटेगा, अगर बी के पार्ट से टूटेगा तो सवाल फिर वही आएगा कि या तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो, अब ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव या फ्री रेडिकल, या तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो और ये कंडीशन हो। तो देयर इज अ चांसेस, अब देखने की कोशिश करिए, तो हो सकता है कि अगर मैं बी के तौर पर रिप्रेजेंट करूं तो एक चार्ज होगा ओ सी एच थ्री प्लस एंड ये हो जाएगा CH2OH फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा, ठीक है ना। CH3 प्लस भी बनेगा और CH2 प्लस OH प्लस भी बनेगा, वाओ दैट्स अमेजिंग। या तो दूसरा टास्क ये होगा कि CH3 प्लस की बजाय ये कंडीशन हो सकता है कि CH2OH प्लस बनेगा प्लस CH3 फ्री रेडिकल, ये हो सकते हैं टोटल कंडीशंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि क्या हो रहा है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के तौर पे, कि जब भी कोई बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, CH3 CH2 OH, अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, समझिए अगर आप इसको तोड़ रहे हैं तो एक बार, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो एक बार जो है आपके लिए ये हिस्सा पॉजिटिव होगा तो एक बार ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, दैट्स द पॉइंट। और अगर आप जो है CH3 CH2 और OH को इस बॉन्ड से तोड़ रहे हैं तो एक बार जो है वो आपके लिए ये हिस्सा पॉजिटिव होगा और एक बार ये, दैट इज द बेसिक केस। पॉजिटिव आयंस को ही आपको कंसिडरेशन में लेना है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर तक पहुंच रहा है। ये जो आयंस है ये निग्लेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि ये डिटेक्टर प्लेस पे पहुंचेंगे ही नहीं, ये बीच में ही कहीं गुम हो जाएंगे, निग्लेक्टेड बेसिक तौर पर। हमारे पास टोटल चार तरीके के पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, इन चारों तरीके के पॉजिटिव आयंस का मॉलिकुलर वेट रिप्रेजेंट करिए। अगर मैं यहाँ पे देखू इन आयंस को जो फॉर्म में बन रहे थे, इसका जो एम बाई जेड है वो कितना है, अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो व्हाट इज द एम बाई जेड ऑफ दिस आयन, अगर कोई कैलकुलेट कर पाए तो दैट इज 29। इसका 17, इसका 31, और इसका
15। क्या बात समझ में आ गई कि हमारे पास चार फ्रैगमेंट्स कैसे कैसे बन रहे, 15, 31, 29 और 17 का। अब सवाल ये आ जाता है कि जनाब जब इस तरीके से बनेगा, इसमें एक फ्रैगमेंट और भी बन रहा है आयन के तौर पे, हो सकता है कि कोई टूट ही नहीं रहा हो, तो एक आयन के तौर पे तो ये भी रिप्रेजेंटेड है, यानी 46 भी तो आपको मिल रहा है। CH3 CH2 वाला फिर फॉर्म तो आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बहुत आसानी से एक बार फिर देखने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या बोला कि मेरे पास कंपोनेंट क्या है, वो अगर विजुलाइज कर पा रहे हैं तो और अच्छी बात है फ्रेगमेंटेशन को। देखिए पहले बात तो एक पैरेंटल कंपोनेंट एज एन आयन बनेगा, CH3 CH2 और OH, ये आयन एक ये। दूसरे के तौर पे अगर मैं यहां से बॉन्ड एक्सेप्ट कर रहा हूं टूटने के लिए, तो मेरे पास लेफ्ट साइड का जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 प्लस, ये किया। इसका जो एम बाई जेड हमने बताया था ये है 46, इसका जो था 29। थर्ड जो अगर विजुलाइज कर पा रहे हैं, इसी से राइट साइड अगर बन रहा होता तो ये OH पॉजिटिव बनता तो ये हो जाता 17। फोर्थ अगर सेकेंड वाले पोजिशन से बॉन्ड टूट रहा है तो एक लेफ्ट साइड का बनता तो CH3 प्लस, जिसका की 15। और अगर राइट साइड पे बन रहा होता आयन तो CH2 OH प्लस, दैट इज 31। ये टोटल आपके एम बाई जेड के तौर पे कितने फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलरली कॉम्पोनेंट से। एज एन एग्जाम्पल अगर आप एथेनॉल को समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, एज एन एग्जाम्पल अगर आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं किसी भी एथेनॉल के फ्रेगमेंटेशन को, तो टोटल 5 तरीके के फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं, ठीक है। अब इन 5 तरीके के फ्रेगमेंटेशन में सवाल यह आ जाता है कि एबंडेंस किसका कैसा होगा। कहीं ना कहीं एबंडेंस की बात अब आती है कि जब भी हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ ग्राफ इस तरीके से है, इसमें इधर की तरफ रिलेटिव अबंडेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इधर की तरफ जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो है एम बाई जेड रेशियो को। अगर मेंशन किया जाए तो मान लेते हैं यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 46 है। तो कुछ पीक्स जो होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, 15 पे कुछ होंगे, 17 पे होगा, फिर उसके बाद 29 पे होगा, फिर उसके बाद 31 पे है, फिर 46 पे है। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं अलग अलग फ्रैगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। 15 वाला फ्रैगमेंट जो है वो फोर्थ वाला नंबर का है, 17 वाला जो है वो थर्ड नंबर का है, ये जो है आपका सेकंड नंबर का है, 31 जो है वो फिफ्थ नंबर का है और दिस इज फर्स्ट। ये कौन कौन से आयंस कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये आपको पीक समझ में आ गई। एम बाई जेड के बढ़ते हुए क्रम में जो है आयंस इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। अब इन केसेस के ऊपर जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे सवाल यह आ जाता है कि जब हम इनको लेके जा रहे होते हैं तो रिलेटिव अवेयरनेस किस फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। जब भी रिलेटिव अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं तो जितने पर्टिकुलरली कॉम्पोनेंट होंगे या जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें रिलेटिव अवेयरनेस किस बेसिस पे तौर पर किया जाएगा, स्टेबिलिटी के तौर पर। एक तो अवेयरनेस के तौर पर देखिए कि मैंने यहाँ पे CH3 को ये थोड़ा सा कम होगा और CH3 वाला जाता होगा, ये देखिए ये है CH3 और यह C2H5 बेसिक तौर पे। इसके लिए अबंडेंस निकालोगे तो 0.98 इंटू 0.99 करके आप एड ऑन करोगे तो लगभग 98 आएगा। इसके लिए करोगे तो क्योंकि 0.98 फिर 0.98 फिर 0.99 करके 5 बार करोगे तो उसके लिए जो है वैल्यू इससे तो कम ही आएगी, क्योंकि आप इस वैल्यूज में से इनमें जो CH3 में से एक बार फिर से आप CH2 एड ऑन मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि C का 0.98 होता है और H का 0.99 होता है, तो 1 तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं तो 0.98 0.99 और 0.99 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है इससे तो कम ही होगी अबंडेंस के तौर पे। अगर देखोगे तो जो जितने कंपोनेंट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसी के हिसाब से उसका अबंडेंस जो है वो कैलकुलेट होता हुआ चला जाता है, मतलब किसका अबंडेंस कितना है जो हमने अभी आपको यहाँ पे मेंशन किया था। जैसे के तौर पे सी अगर इसको एक की बात करते हैं तो इतना आ रहा था लगभग लगभग, अगर कहीं ना कहीं जो है हम दो CH3 CH2 5 की बात करते हैं तो वहां पे जो है अवेयरनेस कम हो जाती है, तो वही चीज जो है वो मेंशन किया जा रहा था इस पर्टिकुलरली केस। अभी अवेयरनेस को रिलेट करने के लिए एक और चीज मैं मेंशन करूंगा, वो अवेयरनेस डायरेक्टली तो नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज बताता है कि आखिर इनमें से कौन से आयंस फॉर्म होंगे, क्योंकि ये जो पीक्स आप देख रहे हैं इतने तरीके के पीक्स बनेंगे, बट विच पीक्स आर पॉसिबल, सारे के सारे पीक्स जो है वो पॉसिबल होते हुए नजर नहीं आते, या उनमें अगर हम एबंडेंस या स्टेबिलिटी के तौर पे बात करें तो कैसे होगा। यहाँ पे इन आयंस की स्टेबिलिटी भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है कि आखिर व्हाट आर द स्टेबिलिटीज ऑफ दिस आयंस। जो फ्रेगमेंटेशन के बाद जो आयंस बन रहे हैं वो आयंस कौन सा आयन कितना स्टेबल है,
अब स्टेबिलिटी ही ये बताता है कि वो आयन बनेगा कि नहीं बनेगा। सवाल ये आता है कि फ्रेगमेंटेशन में क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर विच वन इज फिजिबल। हमें टोटल पॉसिबल कॉन्डीशंस तो समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है ये भी टूट सकता है ये भी टूट सकता है, तो ये टूटेगा तो या तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो या तो ये वाला पॉजिटिव हो, अगर ये पर्टिकुलरली टूटेगा तो ये वाला हिस्सा या तो पॉजिटिव हो या ये, तो ये बेसिक तौर पे हमें समझ में आ जा रहा है कि हाँ टूटने का पैटर्न क्या है, लेकिन टूटने के बाद कौन सा आयन ज्यादा बनेगा और